Hello, good morning students. Welcome back. Let's continue with the chapter. Yesterday we have completed exercise D and F of lesson 1st given on page number 12. Okay, and today we will see grammar ladder. Okay, grammar hum log dekhenge. So let's see what is it. It's a sentence and it's a kinds. Okay. वाक्य और उसके प्रकार. वाक्य क्या है सभी लोग जानते होंगे आई थिंक. व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका कि अर्थ निकलता हो, सार्थक अर्थ निकलता हो. यानी शब्दों को हम इस तरह से इस क्रम में रखते हैं कि उनका पूरा अर्थ हमको समझ में आता हो, तभी वो सेंटेंस कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, चिड़िया उड़ रही हैं. ओके, शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है. शी इज क्राइंग, शी इज सिंगिंग, शी इज डांसिंग. ठीक है, मतलब कि इसमें होता क्या है, इसको हम बनाते कैसे हैं सेंटेंस को. इसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट में यानी कर्ता होता है. ठीक है, ये इसमें नाउन या प्रोनाउन होता है, मींस जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसको हम सबसे पहले रखते हैं. ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा वर्ब. ठीक है, जो क्रिया है उसमें चाहे हेल्पिंग वर्ब होती है चाहे मेन वर्ब होती है. उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है, मींस प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मींस पहले सब्जेक्ट आएगा जो करता है, जिसके बारे में हम बात बता रहे होते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, और उसके बाद जो बातें हम कर्ता के बारे में बताते हैं. जैसे राम इज अ डॉक्टर, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया. अब वो क्या करता है, ही इज अ डॉक्टर, तो वो डॉक्टर जो है ये उसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं आपको. तो ये हमारा सेंटेंस इस तरह से फॉर्म होता है, इस तरह से बनता है. ठीक है, तो अब देख लीजिए, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. कितने काइंड इसके होते हैं, टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, फोर काइंड्स. ठीक है, फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट वन डिक्लेरेटिव, यानी घोषणात्मक. घोषणात्मक मतलब जब हम कुछ घोषणा करते हैं, कुछ हम बताते हैं, कुछ कहते हैं, तो ऐसे सेंटेंस. दी सेंटेंसेस डिक्लेयर और स्टेट समथिंग एन एंड इन अ फुल स्टॉप. यानी जो डिक्लेरेटिव है इसको हम सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं. तो ये किस तरह के होते हैं, ये कुछ डिक्लेयर करते हैं, कुछ स्टेट करते हैं, यानी कुछ चीज़ों को बताते हैं, और इसके अंत में हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप. ऐसे सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जाता है, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है या असर्टिव सेंटेंस हम कह सकते हैं. ठीक है, इसे डिक्लेरेटिव या असर्टिव. ठीक है, जो कुछ बताते हैं. ठीक है, जिस सेंटेंस में कुछ बातें कही जाएँ या बताई जाएँ, ठीक है, वो स्टेटमेंट होता है, और उसे हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी इज हार्ड वर्किंग. अब इसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं, वो एक मेहनती लड़की है. शी इज हार्ड वर्किंग, वो बहुत मेहनती है. आई एम वेयरिंग अ ब्लू शर्ट. आई एम वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, मैंने क्या है, मैं ब्लू शर्ट पहन रही हूँ या पहन रहा हूँ. ओके, माय मदर इज कुकिंग डिनर, मेरी माँ खाना बना रही हैं. यानी इसमें क्या हो रहा, कुछ डिक्लेयर किया जा रहा, कुछ स्टेट किया जा रहा, कुछ बताया जा रहा है किसी के बारे में. तो ये साधारण वाक्य होते हैं, इनके लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं. ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट वन, इम्परेटिव. इम्परेटिव को हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक. ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये इसमें तीन चीज़ों का हमको ध्यान रखना होता है. दी सेंटेंसेस एक्सप्रेस अ कमांड, मेक अ रिक्वेस्ट और अ सजेशन और गिव अ सजेशन. इसमें तीन बातें होती हैं, इसमें या तो हम किसी को आदेश देते हैं, या किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, या किसी को फिर सजेशन देते हैं. सजेशन सुझाव, कमांड आदेश, रिक्वेस्ट मीन्स विनती करना. इसमें जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हम प्लीज लगाकर कोई चीज़ कहते हैं. कमांड देते हैं तो डायरेक्ट हम वर्ब से शुरू करते हैं, जैसे डू नॉट मेक अ नॉइस, हाँ, ओपन द डोर, कीप क्वाइट. तो इसमें हम डायरेक्ट क्या कहते हैं, वर्ब से हम सेंटेंस शुरू करते हैं, जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है. ठीक है, उसमें जब हम कमांड देते हैं तब. और इसमें देखिए तीन तरह के कैसे हैं. फॉर एग्जाम्पल, गो टू स्लीप,
कमांड, यहाँ पर कैसे शुरू हुआ, गो यानी वर्ब से शुरू हुआ, गो टू स्लीप। फिर रिक्वेस्ट करना है, मे आई गो टू स्लीप, क्या मैं सोने जा सकती हूँ, ये हमारा रिक्वेस्ट है, विनती है। यू शुड स्लीप नाउ, अब यहाँ पर सजेशन है, सुझाव है, तुम्हें सोने के लिए जाना चाहिए। ठीक, तीन तरह आपने देखा, एक कमांड दिया गया, एक रिक्वेस्ट किया गया, एक सजेशन किया। तो ये इस तरह के सेंटेंस क्या होते हैं, इंपरेटिव, और इसके लास्ट में भी हमारा फुल स्टॉप लगता है, कोई ज़रूरी नहीं। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, मे आई गो टू स्लीप, यहाँ पर रिक्वेस्ट में हम किसी से कुछ पूछते हैं जब, तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है, दी सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चंस एंड एंड इन अ क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य ये होते हैं जिसमें कि कुछ पूछा जाता है, ठीक है, और इनके अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, आर यू फाइन, क्या तुम ठीक हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, हाउ ओल्ड इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कितने साल का है, ये सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन मार्क से इसमें हम एंड करते हैं। ओके, नाउ लास्ट वन, एक्सक्लेमेटरी। ये क्या होता है, विस्मयादि बोधक, जिसमें विस्मय होता है, इसमें हमारी सडन फीलिंग्स होती हैं। दी सेंटेंसेस एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग एंड सडन इमोशन और फीलिंग्स ऑफ जॉय, सॉरो, रिग्रेट एट्सेट्रा, यानी ये कुछ तुरंत उभरने वाले जो हमारे भाव हैं, ठीक है, किसी चीज़ को हमने देखा, हमारे अंदर जो भाव उठा, ठीक है, तो उस समय जो हम बोलते हैं वो हमारी सडन फीलिंग्स होती हैं। कोई दुख भरी बात हमने सुन ली तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया, कुछ खुशी अगर हमको सुनने को मिली तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है ऐसे समय में, तो जो उस वक्त हम बोलते कहते हैं तो वो एक्सक्लेमेशन के अंतर्गत आता है, और वहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। नाउ सी एग्जाम्पल, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, कितनी ही सुहानी आश्चर्यजनक क्या है, सरप्राइज है। इट इज़ अ डिलाइटफुल इवनिंग, ये बहुत ही खास शाम है। अल्लास, आई लॉस्ट द गेम, दुख भरा है तो आई लॉस्ट द गेम। ठीक है, इस तरह के आपके काइंड्स हैं, एंड टुमारो आई विल गिव यू एक्सरसाइज, एंड टुडे यू हैव टू रीड वंस दीज थिंग्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू।